सारी बातें आपकी यादें कार्यक्रम में निकिता बटोला का नमस्कार। मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड में पहली बार एक ऐसा मेगा धारावाहिक जिसमें हम परिचय कराएंगे ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की प्रतिभा से, हमारे कार्यक्रम हमारी बातें आपकी आगे। हमारे आज के मेहमान कलाकार हैं सुपरस्टार वन एंड ओनली संजू सिलोड़ी। हाय संजू, कैसे हो? हाय, आई एम फाइन। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के शो हमारी बातें आपकी यादें में। थैंक्स संजू। सबसे पहले पूरी ऑडियंस, पूरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है और तुम्हारा जन्म कहाँ पे हुआ, तुम यहाँ पे कहाँ रहते हो? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, 30 जून 1983, और मैं दिल्ली में शाहदरा में रहता हूँ। दिल्ली में जन्म हुआ, उसके बावजूद तुमने उत्तराखंड को अपना करियर के लिए चुना, जबकि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, बहुत अच्छे डांसर हो। तुम चाहते तो हिंदी की तरफ भी कर सकते थे, लेकिन पहला रुख, तुम आज भी मुझे पता है कि तुम हिंदी के लिए रुख कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा पहला रुख था उत्तराखंड की ओर, ऐसा क्यों? बात यह है कि अगर हम उत्तराखंड के लोग ही उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि बाहर के लोग, बाहर के राज्य के लोग, बाहर के क्षेत्र के लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। सो दैट्स वाई मैंने इसी फील्ड को चुना कि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ करूं, और पिछले 4 साल से मैं उत्तराखंड के लिए काफ़ी कुछ कर रहा हूं। वो अच्छा है या बुरा ये तो आप ही लोग जानते हैं, या आप ही लोग जानते हैं। तो संजू मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें, तुम्हारे फैंस तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम्हें कैसा महसूस होता है? जाहिर सी बात है कि मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। कभी सोचा नहीं था कि मेरे चाहने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आम सोसाइटी में रहने वाला लड़का चर्चित चेहरा बन जाऊंगा। बबली तेरे मोबाइल गाना हिट हुआ, जैसे कि तुम्हें पहचान मिली, मेरे ख्याल से तुम्हारे जीवन में ये गाना बहुत ही इंपॉर्टेंस भी रखता होगा। बहुत बहुत ज़्यादा रखता होगा। तो इस गाने से एक ट्रेंड चेंज हो गया एकदम से। हाँ? अगर हम देखें एल्बम्स का जो ट्रेंड चेंज हुआ, शायद वो कहीं ना कहीं बबली तेरे मोबाइल से स्टार्टिंग हुई। एग्जैक्टली। और तुम्हें कहीं ना कहीं उसी टाइप के सॉन्ग्स मिलने लगे। मेरे ख्याल से उससे पहले भी तुम्हारे बहुत से प्रोजेक्ट्स थे। हाँ, उससे पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन गजेंद्र राणा जी के बबली तेरे मोबाइल में मुझे काफ़ी एक्सपोज करने का मौका मिला। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो गाना मेरे लिए बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। काफ़ी हद तक लोग मुझे आज भी उसी नाम से पहचानते हैं कि बबली तेरे मोबाइल गाइस। संजू, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा अब तक का, वीडियो या ऑडियो? वीडियो भी चलो, ऑडियो भी, अगर तुम दोनों को दो डिफरेंशिएट कर देते हो तो। वीडियो रिसेंटली मार्केट में आया गबरू दीदा, जिसमें मेरा गाना है नैनीताल की चांद चकोरी। आई थिंक मेरा अब तक का 4 साल का करियर रहा है गड़वर इंडस्ट्री में। इट्स बेस्ट बेस्ट। तो संजू, ऑडियो के बारे में कुछ बताओ। सुंदरा की दौड़ी, नौचमी नारायण से नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गाना है, लोकगीत है सुतरा की दौड़ी, जोग जानी, उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसका भी वीडियो, मेरे ख्याल से वो गाना भी बहुत हिट रहा है। उसका वीडियो बहुत अच्छा बना है, हमारे दर्शक बहुत से जानना चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, क्या तुमने कोई कोर्स करा है इसके लिए? कोर्स तो नहीं, जस्ट एक लोकल ग्रुप थिएटर से मैंने ज्वाइन किया था। 2 साल मैंने थिएटर किया दिल्ली में, लेकिन वहाँ मैंने हिंदी स्टेज किया, गढ़वाली स्टेज नहीं किया। तो एक्टिंग से मुझे वहाँ से बहुत मदद मिली है। क्या तुमने डांस का भी कहीं से कोई कोर्स करा? नहीं, डांस का मैंने कभी नहीं किया, लेकिन डांस का शौकीन मैं बचपन से ही रहा हूँ। जब हमारी फैमिली में शादी वगैरह हुआ करती थी तो सबसे ज़्यादा मैं ही डांस करता था। सभी लोग बोलते थे कि संजू कौन अच्छा कि ही डांस वेरी वेल। सो डांस मैंने कहीं से सीखा नहीं है, जस्ट एक पैशनेट रहा, एक हॉबी रही, जो आज एक प्रोफेशन में बदल चुकी है। संजू, तुमने अब तक बहुत सी एल्बम्स करी हैं, बहुत सी फिल्में भी करी हैं, मतलब तुम्हारी यादगार एल्बम्स जिनको कहा जाएगा, या वो यादगार फिल्में जो तुमने करी हैं। फर्स्टली एल्बम्स पे आते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा नाम जो कुछ भी आज हुआ है एल्बम के बेस पर ही हुआ है। एल्बम्स में मेरी यादगार एल्बम्स हैं जो अनफॉरगेटेबल्स हैं, फर्स्टली हिमा माशान बबली तेरे मोबाइल, अनफॉरगेटेबल रियली। इतना शायद किसी भी गाने ने, किसी भी आर्टिस्ट को इतना नहीं दिया होगा जितना इस गाने ने मुझे दिया। आज भी लोग मुझे इसी गाने से पसंद करते हैं। नौ छमी नारायणा, नौनी भावना, सुपनियों की रानी, गबरू दीदा, सकला, रंगीलो मिजाज, बिंदुली,
छौंदाड़ी। और फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहोगे? फिल्में मैंने बहुत कम करी हैं एल्बम्स के कंपैरिजन में। उनके नाम? तेरी माया माँ, इक्लांस जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बाकी मेरी आने वाली फिल्में हैं अनेड़, छम घुंगरू, भैजी सब गोलमालचू। तो ये बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है सुपरस्टार संजय सिलोड़ी। तुम्हारे बहुत से फैन रहे होंगे, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम उनकी वजह से तुम्हारे आगे कभी फेस करनी पड़ी तुम्हें? नो, नेवर। ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आई कि जिससे मैं बोलूँ कि किसी लड़की ने मुझे कभी कोई फ़ोन किया हो या मुझसे कभी कोई पर्सनल बातें करी हो और मुझसे उससे अपनी पर्सनल लाइफ में कोई टेंशन क्रिएट हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैंस होना बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं समझता एक छोटी बात है कि आपको लोग पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, आपके वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वियरिंग, एवरीथिंग वो लोग पसंद करते हैं आपको, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि कलाकार का वजूद जनता से, इट मीन्स आप लोगों से ही होता। बिल्कुल। और हमारी जनता ये जानना चाहती है कि संजू सिलोड़ी जो है वो असल में क्या है, थोड़ा सा कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। अपने बारे में सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बातें बहुत करता हूँ। काफ़ी लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बातें ज़्यादा करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बातें करते हैं और गलत बातें करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, सो ये बहुत गलत बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ज़्यादा बोल भी रहे हैं और अगर अच्छा बोल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे बारे में सिर्फ मैं समझता हूँ यही एक खासियत है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, और मेरी एक सोच है कि मॉडर्न लिविंग एंड हाई थिंक, जो शायद कभी बहुत कम कॉम्बिनेशन ऐसे मिलते हैं, लेकिन आई थिंक सो मेरे अंदर एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा संजू, तुम्हें क्या पसंद है? किस चीज़ में? किसी भी चीज़ में, तुम्हें पहनने में, खाने में? पहनने में मुझे ट्राउज़र, शर्ट, स्पेशली ब्लैक कलर, एंड शर्ट में पिंक मेरा फेवरेट कलर रहा है। डेफिनेटली यू आर लुकिंग स्मार्ट इन अ ब्लैक कलर। और फूड में मेरी फेवरेट डिश रही है पुलाव, वेज बिरयानी। मेरी मदर हमेशा मेरे लिए वही बनाती हैं। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद शूटिंग से घर पर जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मदर, काफ़ी दिनों से आपके हाथों का खाना नहीं खाया जो टेस्टी होता, क्योंकि बाहर भी टेस्टी खाना मिलता है लेकिन उतना नहीं होता जो बदर के हाथों का होता है। सो मेरी मदर मेरे लिए पुलाव बनाती हैं और मैं उसको बहुत ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा संजय, तुम्हारा अपने आगे के करियर को लेकर कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है? इसके लिए मेरे पास एक शायरी है, मैं इन शब्दों को अपनी शायरी में बयां करना चाहूँगा। क्या बात है। कि बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई कि मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। उसको भी जिद थी बिजलियाँ गिराने की, उसको भी जिद थी बिजलियाँ गिराने की, और मुझे भी जिद थी फिर से वही आशियां बनाने की। क्या बात है, क्या बात है संजय, तुम तो शायर भी बन गए। नो, कोई तुम्हारा राइटिंग वाइटिंग का तो कोई इरादा नहीं है? नो, नेवर। चलो बहुत अच्छी, बहुत खूब तुमने क्या बात कही। संजू, हमारे शो के थ्रू तुम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो हमारे आम जनता के बीच, हमारे दर्शकों के बीच? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट का अपने फैंस लोगों से बात करना। मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जब हमारी सीडीज़ देखते हैं, हम इतना प्यार देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती कि इतने ज़्यादा लोग हमारे चाहने वाले हैं, चाहे वो गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, या बुजुर्ग औरतें हों, बुजुर्ग आदमी हों, सभी लोग पसंद करते हैं। मेरी आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से और इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, काफ़ी ग्रो कर रही हैं, जस्ट लाइक भोजपुरी इंडस्ट्रीज, पंजाबी इंडस्ट्रीज, हिंदी तो वर्ल्ड वाइड है ही, उसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड, हमारी गढ़वाली कुमाऊनी सीडीज, हमारी गढ़वाली कुमाऊनी लैंग्वेज एक बची रहे, और उसमें हम जितना भी योगदान दें, लेकिन आपके योगदान के बिना वो सब कुछ अधूरा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई सीडीज़ देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा काम दिन ब दिन ऊँचा होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो प्लीज़ हमारी सीडीज़ को देखना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस और बढ़े, हम लोग वर्ल्ड वाइड हों। और
जिस तरह से मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं वेस्टर्न सॉन्ग्स ज़्यादा करता हूँ, तो मैं वेस्टर्न सॉन्ग मुझे दिए जाते हैं और मैं उनको परफॉर्म करने में इतना ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। मेरा मोटो सिर्फ यही रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन अपना मार्केट में दूँ, आप लोगों के सामने सर्व करूँ, आप लोग उसे देखें। जैसा कि आप लोग मुझे फ़ोन करके बताते भी हैं कि आपका काम बहुत बढ़िया रहा या उसमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो मैं बिल्कुल वही चीज़ चाहता हूँ जो आपके मन में है। कभी भी आपको लगता है कि मेरे काम में अगर कभी आपको कोई कमी नज़र आ रही है, तो प्लीज़ पर्सनली मुझसे ज़रूर कहिएगा कि आपके काम में अब मज़ा नहीं आ रहा। सो प्लीज़ मेरे मैसेज यही रहेगा कि किसी भी तरह हम सब के कंट्रीब्यूशन से इस इंडस्ट्री का काफ़ी ऊंचे तक मुकाम जाना चाहिए, जिससे कभी हम लोग गर्व से कह सकें। इवन अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते, तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम उस भूमि से संबंध रखते हैं जिसको देवभूमि से नाम से जाना जाता। सो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उत्तराखंड के लिए सेवा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह उत्तराखंड का मुकाम गायब ना होने पाए और आप लोग इसी तरह हमें प्यार दें। आपके प्यार का भूखा हर कोई आर्टिस्ट होता है। मैं भी बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के अपने दिल की बातें आप लोगों को बता पा रहा हूँ, और खुशी होती है इस बात की कि कभी मेरे मम्मी डैडी को भी पता नहीं था कि मैं इतना जो भी मैंने लेवल अचीव किया है मैं कभी कर पाऊँगा, लेकिन आज उनको लगता है कि मैं गढ़वाल के लिए काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, तो उनको खुशी होती है। तो वो चाहते हैं कि मैं काफ़ी कुछ गढ़वाल के लिए करूँ, जितना मुझसे बन सकेगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन प्लीज़ इसमें आप सभी लोगों का योगदान ज़रूर चाहिए। अगर आप लोगों का योगदान नहीं रहा तो वी आर निल, वी कान डू एनी थिंग, सो प्लीज़ अप्रिशिएट अस, प्लीज़ थैंक्स। तो संजू, रियली थैंकफुल टू यू कि तुम हमारे शो में आए, एंड मोस्ट वेलकम, गुड विशेज फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू, आई लव यू ऑल। तो ये था हमारा आज का शो, हमारी बातें आपकी यादें, जिसका बातों का सिलसिला यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह आगे और भी नामी हस्तियों से आपको मुलाकात करवाते रहेंगे, तो देखना ना भूलें हमारी बातें आपकी यादें। मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे सीरियल को सराहाया, और इसके साथ साथ ही मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, अपने मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आज हमारे इस सर्वे को यहाँ पहुँचाया।